बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहम की बीमारी या जिन्नात का साया, सिर्फ ये इसमें मुबारक पढ़ें और वहम से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आजकल के दौर में वहम की बीमारी आम जन्म ले रही है। हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है, क्योंकि वो उसे जादू या जिन्नात का हावी होना मानते हैं, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिन्नात इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके हावी होने और तंग करने की भी कुछ ख़ास निशानियां होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान को वहम की बीमारी होती है और हम जिन्नात का साया समझकर उसे दम दरूद करवाने लगते हैं, जिससे मरीज़ की तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो जिस किसी को भी वहम की बीमारी हो, वो इसमें मुबारक को अपना मामूल बना ले और फिर उसके फ़ायदे देखे। जिस मर्द या औरत को वहम की बीमारी हो, वो या मोमिन रोज़ाना 136 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह वहम ख़त्म हो जाएगा। इस अमल की आम इजाज़त है, यानी हर कोई इसे कर सकता है, और इसे सदका जारिया समझकर दूसरों को भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।